मेहता का उल्टा चश्मा। तुम्हारी काकू को शाम को डिस्चार्ज करवाना है, मुझे अर्जेंट 35,000 की जरूरत है। माधवी अभी बैंक के सर्वर का प्रॉब्लम है, मतलब एटीएम से पैसे निकाल नहीं सकते, तो बैंक जाकर ही पैसे निकालने पड़ेंगे। तो जाइए जल्दी से। तो मैं कैसे जाऊँ, मेरा ऑनलाइन क्लासेस है अभी। मैं तुम्हें सेल का चेक बना के देता हूँ, तुम जाके कैश लेके आओ। मैं नहीं कैसे जाऊँ, मैंने बोला ना आपको प्रतिभा वहिनी को दुबई जाना है, उनका ऑर्डर कम्प्लीट करना है मुझे आज। क्लासेस के बाद जाऊंगा तब तक तो बैंक बंद हो जाएगी। मैं अब्दुल को फोन करके बोलता हूँ, वो जाके लेके आएगा। हाँ बोले बेटे भाई। हाँ कहाँ हो तुम अब्दुल? मैं मार्केट में हूँ, सामान खरीदने के लिए आया हूँ। ओह, मतलब सोसाइटी में नहीं हो? अरे भिड़े भाई, अगर मैं मार्केट में हूँ तो सोसाइटी में मैं कैसे हो सकता हूँ? ये कर ले रे, कब तक वापस आ रहे हो? एक दो घंटा तो लग ही जाएगा। हाँ ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, तुम अपना काम निपटा के आ जाओ। हाँ ओके, बाय बाय, थैंक यू। ये अब्दुल मार्केट गया, उसको आने में एक दो घंटे लग जाएंगे। तो भी पोपटला और हाथी भाई भी नहीं है, ये तो उनसे पैसे मांग लेता। क्या करूं, कैसे कर सकते हैं? हाँ जेठा भाई को फोन कीजिए ना आप, बागा भाई के हाथ वो पैसे भेज देंगे। जेठा लाल से मदद मांगू? नहीं 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 नहीं, वो हमेशा उल्टी बात करता है। ठीक है ना, हम लोग उधार थोड़ी मांग रहे हैं, सामने चेक देंगे ना। झाला ठीक है। क्यों भाई, सोसाइटी में तो कह रहा था मुझसे बात करना टाइम वेस्ट है, तो फिर अभी क्यों बात करनी है? ठीक है रखता हूँ। फोन क्यों रख दिया? मैंने बोला था ना वो हमेशा उल्टी ही बात करता है। काय काय झालं, काय म्हणाले? कुछ भी बोल रहा है, बोल रहा है सुबह बोल रहा था ना कि तुमसे बात करना मतलब टाइम वेस्ट करने जैसा है। तो कुछ भी थोड़ी बोल रहे है, आपने कहा ही था ना ऐसा, आप फोन कीजिए ना उनको। मैं नहीं करने वाला। ओ ऐसे काय कर, मैं ही लगाती हूँ फोन। अरे क्या है भाई? जेठा भाई मैं माधवी बोल रही हूँ। सॉरी माधवी भाई, सॉरी, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं कोई हरकत नहीं, इनसे प्लीज आप बात करेंगे एक मिनट के लिए? जरूर जरूर, दीजिए दीजिए। एक मिनट। मैं नहीं करूंगा। ओ ऐसे काय कर, वो बोला नहीं करूंगा, बोला ना मैं। ओ बोला ऐसे काय करता है, गोल गोल नहीं करूंगा मैं। रमाकांत काकांना मदत करायची आहे ना आपल्याला। अरे काका। हाँ बोला काका, बोलो बोलो जेठालाल। हाँ बोलो बोलो भिड़े, क्या काम है मेरा दोस्त? तुम्हारे पास 35,000 रुपए है? तुम्हारे पास 35,000 रुपए है? क्या बोल रहे है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। और इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है? मैंने पूछा तुम्हारे पास 35,000 रुपए है? नहीं वो मैं समझा। तो क्या नहीं समझे? ये अचानक तेरा ऐसा पूछना समझ में नहीं आ रहा है। मुझे 35,000 रुपए चाहिए, तुम्हारे पास है? हाँ तो ऐसा बोलना भाई। 35,000 है बैंक के खाते में, मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है? अरे बैंक के खाते में तो मेरे पास भी है। फिर तू समझ में ना आए ऐसा बोल रहा है। अब क्या नहीं समझ में आया तुम्हें? अरे भाई तेरे खाते में जब पैसे है तो मुझसे क्यों मांग रहा है? जेठालाल मुझे 35,000 रुपए कैश चाहिए। कैश चाहिए? सुबह सुबह तुझे 35,000 कैश चाहिए? क्या हुआ भाई, तू किसी झमेले में तो नहीं फंसा है ना? अरे नहीं नहीं कोई झमेले में नहीं फंसा हूँ जेठालाल। वो क्या है, मैं और माधवी अभी बिजी है, बैंक जा नहीं सकते, एटीएम से पैसे निकाल नहीं सकते क्योंकि वो बंद है। इसलिए तुम्हारी दुकान में अगर 35,000 कैश पड़े तो तुम दे सकते हो? नहीं भाई अभी मेरे पास कैश तो नहीं है। अच्छा तो फिर बागा या मगन किसी को बैंक में भेज के पैसे विड्रॉ करके यहाँ पे भेज सकते हो? नहीं नहीं वो दोनों नहीं है भाई, मैं अकेला हूँ। क्यों, उन दोनों ने तुमको छोड़ दिया? अरे दोनों माल की डिलीवरी के लिए गए भाई। अच्छा अच्छा तो छोड़ो फिर। अच्छा रुक रुक भाई, मैं एक काम कर सकता हूँ, दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा ना उसका मैं बैंक भिजवा के, बैंक के खाते में से निकलवा के वो तेरे पास भिजवा देता हूँ, ठीक है? नहीं 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 भाई, वो कब आएंगे, कब बैंक में जाएंगे, कब कैश निकालेंगे, कब मेरे पास आएंगे, नहीं नहीं बहुत टाइम लग जाएगा। छोड़ो छोड़ो जाने दो, चलो। कमाल है, ये तो ऐसे बात कर रहा था जैसे
मैंने उससे पैसे मांगने के लिए फोन किया हूँ। मी काय म्हणते, रमाकांत काका को यहाँ पे बुला के उनको सेल्फ चेक दे दे। अरे क्या बोल रही हो तुम माधवी, काकू का ऑपरेशन हुआ है तो काका को उनके साथ रहना चाहिए ना। काका को यहाँ बुलाएंगे, वो चेक लेंगे, बैंक जाएंगे, कैश लेके फिर अस्पताल जाएंगे। हाँ ते ही बरोबर है। सोलू है ना अपने, वो जाएगी बैंक, आप चेक बनाइए, वो पैसे लेकर आएगी बैंक से। अरे क्या वेट लगा माधवी, नहीं 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 नहीं, इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते। अरे मैं सेल्फ का चेक बना रहा हूँ, गलती से सोनू के हाथ से गिर गया और किसी के हाथ लग गया ना तो वो पैसे लेके चला जाएगा। वो अभी छोटी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे नहीं दे सकते। वो जिम्मेदारी लेना हमें ही सिखाना है ना उसको, वो करेगी काम। माधवी तुम समझ नहीं रही हो, 35,000 रुपए कैश लेके आना है। अगर भगवान ना करे लेकिन किसी ने उससे पैसे छीन लिए तो, और उसमें उसको कुछ हो गया तो। नहीं नहीं नहीं, आजकल जमाना ठीक नहीं है, पैसों से ज्यादा मुझे सोनू की फिक्र है। पर वो बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होगा। माधवी बच्चे कितने भी बड़े हो जाए अपने पेरेंट्स के लिए वो छोटे ही रहते हैं। चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा भरोसा है अपनी सोनू पर, वो अच्छे से बैंक से पैसे निकाल कर लाएगी। बगा अच्छा ठीक है, भेजते सोनू को, लेकिन अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना। शाहो आप क्यों नेगेटिव सोचते हो, सोनू बैंक से पैसे लेकर आएगी सेफली, ये जिम्मेदारी मेरी, बस। अभी आप चेक बनाइए, जाइए। ठीक, एक बार मेरे ख्याल से सोच। ठीक है काका, कोई मना कर देती हूँ। नहीं 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 नहीं, करो करो फोन, मैं बोलना तो अर्थस नहीं। भाग 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 भाग, गोली लेफ्ट, हाँ हाँ लेफ्ट लेफ्ट, कम ऑन कम ऑन, लेफ्ट 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 लेफ्ट, फायर फायर फायर, जा 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 इधर इधर। यार गोली क्या लैपटॉप है तेरा, बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा यार। हाँ obviously यार टप्पू, लैग कैसे करेगा, 16GB रैम है, 16GB। और GFX तो देखो भाई, जबरदस्त है, लेटेस्ट है लेटेस्ट। ये गोली इसमें तो स्टोरेज भी जबरदस्त होगी ना। अरे obviously बिंकू, 2TB का हार्ड डिस्क है, 2TB का। 2TB? 2TB? अरे फ्रेंड्स, फुल्ली लोडेड विद डबल चिप, सॉरी सॉरी मतलब फुल्ली लोडेड लैपटॉप है। गोली एक्चुअली इसका डिजाइन भी कितना स्लिम एंड स्लीक है, इन क्रश भी होगा नहीं। चल 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 चल, कम ऑन, 3 2 1 गो। एक मिनट गाइस, आई का कॉल है। हो आई। हाँ सोनू, एक छोटा सा काम है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? सोनू क्या है, तेरे बाबा और मैं आज दोनों बिजी है, तो तुझे बैंक जाना है और पैसे निकाल के लाने हैं। मी अरे बैंक नहीं, मतलब भाई मैं आज तक कभी बैंक नहीं गई हूँ। हाँ मुझे पता है बाड़ा, लेकिन कोई भी काम पहली बार ही होता है ना। हाँ और कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, तू चिंता मत कर, तू आजा फटाफट घर। ठीक है आई, आती हूँ। हाँ, अच्छा गाइस मुझे घर जाना पड़ेगा। अरे क्यों, घर क्यों जाना है तुझे आई का फोन था, मुझे बैंक जाकर पैसे निकालने। क्या? ओए नहीं 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 यार, बिल्कुल मत जा, मत कर ये सब जिम्मेदारियों वाला काम, वो वापस से फोन कर और मना कर दे। क्यों? अरे आज अगर तूने जिम्मेदारियों वाला काम ठीक से किया तो तू उनके नजरों में वड्डी हो जाएगी, और फिर पता है क्या होगा, तुझे सारे वड्डे लोगों वाले काम करने पड़ेंगे। हाँ सोनू, घर का राशन लेके आना, फिर घर का लाइट बिल भरना, घर की साफ सफाई करना, खुद का रूम तो खुद साफ करना, तू समझ रही है ना। हाँ फिर हर चीज में वो लोग यही बोलेंगे, सोनू बाड़ा अभी तुम बड़े हो गए हो ना, जिम्मेदार हो गए हो, और भिड़े अंकल बोलेंगे नाही, फिजूल खर्चे नहीं चलना, लेट उठना नहीं चलना। और क्यों नहीं चलना? क्योंकि तूने वड्डे लोगों वाले काम ठीक से किए, इसीलिए जो भी जिम्मेदारी वाला काम देना उसे मना कर दे, या तो फिर ऐसा काम बिगाड़ कि तेको काम देने से पहले 10 बार सोचे। अरे मैं तो यही करता हूँ, और नतीजा देखो, मेरे घर वालों ने आज तक मुझे जिम्मेदारी वाला काम नहीं दिया। हाँ ए गोगी क्या बोल रहे तू, और पिंकू तू भी क्या इसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। हाँ फ्रेंड्स, यार फ्रेंड्स हमें जिम्मेदारियों वाले काम सीखने पड़ेंगे, हम जितने जिम्मेदारियों वाले काम करेंगे उतना ही हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। राइट अप सुनो, चल मैं भी तेरे साथ बैंक चलता हूँ। हाँ।
हाँ टप्पू सही बोल रहा है, तुम लोग दोनों गलत बोल रहे हो। हाँ चल सुनो, मैं भी तेरे साथ बैंक आता हूँ, चल। एक मिनट, सच सच बता तुझे क्यों जाना है? वो उसका काम है इम्पोर्टेंट, तो वो भी कर लेंगे, और बीच में सैंडविच वाला क्या कुछ भी बोल रहा है यार, वड़ा पाव। गोली, हम खाने नहीं बैंक का काम करने जा रहे हैं। नहीं वो काम तो करना ही है, लेकिन ये भी करना है। अरे गोगी मैं क्या बोलता हूँ, ये तीनों जा ही रहे तो चलना, हम दोनों भी साथ में चले जाते। Obviously. हम दोनों क्या करेंगे अकेले। हाँ सब चलो सब चलो। अरे गोली लैपटॉप को तो सुला दे। टप्पू लैपटॉप को यहीं रख के जा रहा हूँ। वो क्या हो, गेम क्यों नहीं चल रही है? हाँ झाला चेक बगू। अरे नहीं वो पेन ही नहीं चल रही है। अरे धक्का दीजिए उसको। धक्का धक्का स्कूटर और कार को दिया जाता है, झटका मारने से का तुला देते मतलब वही देखो ना, कर रहा हूँ तो हो ही नहीं रहा। नहीं 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 नहीं, इतना धीरे धीरे कर रहे हैं ना आप। आता बगा ही शाही अगब आपने होली खेली वो भी अकेले? होली होली नहीं, इंक लग गई जरा। इंक की जगह तो पेन में, आपने अपने चेहरे पर क्यों लगाई? अरे लगाई नहीं, लग गई गलती से। अरे क्या भीड़ अंकल, आप शिक्षकों की गलती करते हो। नहीं नहीं ये गलती मेरे से हुई है गोली। ओ तो ठीक है। क्या तो ठीक है ये, मतलब मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था। गोली बाबा आप बैठिए मैं पूछ देती हूँ। नहीं नहीं बड़ा तू रहो दे, तुझे बैंक जाना है ना, हाथ वगैरह खराब हो जाएगा। आहो आप चेक बनाइए ना फटाफट। हाँ ठीक है दे। हाँ हाँ बेटा जल्दी से चेक बना के दीजिए, हम आपके पैसे बैंक से लेकर आते हैं। हम मतलब? हम मतलब हम टप्पू से ना, हम सब बैंक जा रहे हैं। हाँ लो कल्याण, टप्पू से ना साथ में जाएगी मतलब गड़बड़ पक्की। अरे फंस गया बेटा अंकल, टप्पू से ना ने कितने फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए, कभी कोई गड़बड़ हुई क्यों माधवी आंटी? हाँ नहीं बरोबर है। क्या बरोबर है? अरे इनके कारनामों की लिस्ट है लिस्ट। वो पिज़्ज़ा वाली बात भूल गए तुम? निकालू क्या सब कारनामे निकालू? भिड़े अंकल जैसे आपने इनको अपने चेहरे पर से पोछा है ना, वैसे हमारी गलतियों की लिस्ट भी अपने मेमोरी से प्लीज पोछ दो। आइए एक नई शुरुआत करें। कहाँ आइए? मतलब आइए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसा। लाइए लाइए चेक लाइए। नहीं 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 तुम लोग साथ में जाओगे मतलब नक्की गड़बड़ करोगे, मैं रिस्क नहीं ले सकता। अरे ओहो रमाकांत काका को पैसे कैसे देंगे? ओ बाबा टेंशन ना का क्यों, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरी जिम्मेदारी। हाँ अंकल आप इतने छोटे से काम के लिए टप्पू सेना पे भरोसा कर सकते हो? तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देख के तो नहीं कर सकता। अरे कुछ नहीं होगा भीड़ अंकल, बैंक से सिर्फ 35,000 रुपए तो निकल कर लाना है। हाँ बाबा कुछ नहीं होगा। भीड़ अंकल आप हमें चेक दे दो, पक्का बोल रहा हूँ इस बार आपको हम पर गर्व होगा। करेक्ट yes. आज किसी भी हाल में हम बैंक का काम सक्सेसफुली करके ही रहेंगे। yes. फ्रेंड्स आज अपने आप को प्रूव करने की बारी है। हाँ अड़िया हो सोनू अकेली जाएगी, इससे अच्छा टप्पू सेना साथ में जाएगी तो सेफ रहेगा ना। करेक्ट माधवी आंटी, और वैसे भी आजकल चोरी चकारी कितनी बढ़ गई है। वो का है एग्जैक्टली, आप खाली सोचिए अगर हम सोनू के साथ जाएंगे तो कोई भी चोर सोनू के आसपास भटकने की भी हिम्मत नहीं करेगा, और अगर कोई हिम्मत करके आगे आ भी गया तो मैं उसको टप्पू सेना सही कह रही है, उनको जाने दीजिए ना, फिर आपके ऑनलाइन क्लासेस भी है ना, जल्दी कीजिए। हाँ बाबा।
लाइए ना बेड़ा अंकल, चेक दे दीजिए ना। तो क्या खाने की चीज है, दीजिए ना। चेक बना नहीं अभी तक, बना रहा हूं। पेन दो। बघा चालता है ना, आता तो चालणार असं ना। माधवी, ये चेक मैं सोनू को दे रहा हूं तुम्हारी जिम्मेदारी पर। अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना, कोई भी गड़बड़, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। हो यो। अच्छा तुम पैसे किसमें लाओगी? बाबा एक मिनट, मैं अभी आई। दोस्तों माधवी भाभी की ये बात बिल्कुल सही है कि भाई बच्चों को जिम्मेदार बनाने की जिम्मेदारी माँ बाप की है। शायद इसी तर्क के आधार पर उन्होंने बच्चों को बैंक से पैसे निकलवाने का काम किया है, लेकिन भिड़े का डर भी स्वाभाविक है, क्योंकि अगर ये ब्लैंक चेक टप्पू सेना से कहीं खो गया तो भिड़े को 35,000 रुपये का चूना लग जाएगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, टप्पू सेना समझदार है, लेकिन कई बार ये जो समझदारी है ये होशियारी में तब्दील हो जाती है, और ज़्यादा होशियारी कई बार घातक होती है। तब देखने वाली बात ये होगी क्या टप्पू सेना अपने आप को समझदार बताने के लिए और समझदार दिखाने के लिए ये काम बखूबी निभाएगी, या फिर भिड़े की बात सही हो जाएगी। अब ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तीन अक्टूबर 2021 हमारे आपके सबके प्यारे नट्टू काका, जिनका असली नाम घनश्याम नायक था, वो अब हमारे साथ नहीं रहे, हमारा साथ छोड़कर चले गए। घनश्याम भाई ने नट्टू काका का पात्र इस तरह निभाया था कि दर्शकों के दिल में छा गए थे। वो अपने नट्टू काका के पात्र को बहुत प्यार करते थे। लेखक नहीं रहते, उनकी लिखी हुई कहानी हमेशा अमर हो जाती है। गीतकार नहीं रहते, उनके लिखे हुए गीत हमेशा अमर हो जाते हैं। संगीतकार का दिया हुआ संगीत हमेशा हमारे कानों में गूंजता है, अमर हो जाता है। आज भले ही घनश्याम नायक जी हमारे साथ ना हो, लेकिन नट्टू काका के किरदार के स्वरूप में वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ जीवंत रहेंगे और अमर रहेंगे। घनश्याम भाई नायक सिर्फ रंगमंच, टेलीविजन और फिल्मों के ही कलाकार नहीं थे, इस भारत देश की प्राचीन गुजराती लोक कला भवाई, उसकी धरोहर को मजबूत बनाए रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनका निभाया हुआ किरदार रंगलो आज भी गुजराती घर घर में प्रसिद्ध है, और उनकी वो भवाई हमने एक एपिसोड में भी दिखाई थी। वो नाट्य कला को व्यवसाय नहीं समझते थे, सेवा समझ के हमेशा ये कला की पूजा करते थे, और हमेशा माता जी और देवी का स्मरण करने वाले घनश्याम भाई नायक नट्टू काका के किरदार में हमारे स्मरण में रहेंगे। मैं जानता हूं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किरदारों को आपने अपने दिल के झरोखे में बिठाया है, हमारी पूरी टीम को आपने बहुत प्यार दिया है, अपना परिवार समझा है, और इस दुखद समय में आप दर्शकों ने जो संवेदना प्रकट की है, हमें आश्वासन दिया, जो करुणा दिखाई है, हमको साथ दिया, उसके लिए मैं हमारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और हम सब साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं कि घनश्याम नायक जी ईश्वर के धाम में जहां भी हो सबको हंसाते रहे, उनकी आत्मा को ईश्वर परम शांति प्रदान करे, उनका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, उनको हिम्मत रहे, हम उनके परिवार के साथ हैं। आइए घनश्याम नायक जी को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। मैं नट्टू लाल प्रभाशंकर उठाई वाला, लोग मुझे प्यार से नट्टू काका कहते हैं। मैं रंगीला रंगला नटवर लाल मेरा नाम, भाई भाई मैं रंगीला रंगला नटवर लाल मेरा नाम,
वडनगर के पास आया उधई मेरा गाम। अरे वडनगर के पास आया उधई मेरा गाम, भाई भाई उधई मेरा गाम, ताक थैया 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 थै। ऑर्डर ऑर्डर सेठ जी, फिर क्या सोचा आपने इस बारे में? हमारी पगार बढ़ाने के बारे में। पगार बढ़ाने के बारे में? पगार बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ सेठ जी, हमारी पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ सेठ जी। सेठ जी, यू वॉन अवर हार्ट्स इज अ यंग ब्राइट एंड शार्प ब्लड, बिकॉज मेनी टाइम आई हैव सीन वेरी सेंसियर सॉल सेंसिटिव नटू काका। Whatever. Hasta la vista. उनके आशीर्वाद हमारे साथ है। वो हमेशा कहते थे, खुश रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, शो मस्ट गो ऑन। तो चलिए कल मिलते हैं 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नए एपिसोड के साथ। गोली, ये चेक पकड़। ए भागो, सीएमसी वालों की गाड़ी आ रही है। भागो भागो फ्रेंड्स, भागो भागो फ्रेंड्स। मैंने चेक गुप्ता जी के टेले पर रख दिया था। मुझे बैंक से मैसेज आ चुका है कि मेरे अकाउंट से 35,000 रुपए विड्रॉ हो चुके हैं, हो चुके हैं, हो चुके हैं, हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।